आज मैं बनाऊंगी पनीर मटर भुर्जी, जिसके लिए मैंने पनीर, शिमला मिर्च, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज, टमाटर और मटर ले लिया है। फिर मैंने कढ़ाई में तेल डालकर गरम कर लिया है। फिर मैं इसे जीरा और एक चुटकी हींग से छौंक लूंगी। फिर मैंने अदरक लहसुन को डाल दिया है और फिर एक मिर्ची डाल के इसे थोड़ा 2 बार चलाने के बाद मैंने प्याज मिला दिया है। प्याज को भी हम कलर उड़ने तक चलाएंगे। फिर इसमें मैं 1 चम्मच बेसन डालूंगी और इसे अच्छे से चलाते ही रहूंगी धीमी आंच में। बेसन डालने से हमारा जो भुर्जी है वो बिल्कुल पानी पानी टाइप का नहीं बनता है, मतलब उसकी थिकनेस बनी रहती है। फिर अब मैं इसमें कुछ मसाले मिला लूंगी, जैसे कि 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर मिला के मैं इसमें चलाऊंगी। और इसे हमें सिम आँच में, धीमी आँच में ही चलाना है, क्योंकि सूखे मसाले बहुत जल्दी लग जाते हैं। ये मेरा लगभग मसाला भून चुका है क्योंकि मेरा तेल अब बाहर आ रहा है। तो अब मैं इसमें मटर मिला दूंगी। मटर को भी हमें चलाना है अच्छे से धीमी आंच में। फिर इसके बाद मैं मिला लूंगी टमाटर, और टमाटर को मिला के हमें इसमें नमक डाल दूंगी मैं। स्वाद अनुसार हमें नमक डालना है। उसके बाद आप इसे तोप तोप के अच्छे से मेल्ट होने तक, टमाटर के मेल्ट होने तक आप इसमें चला सकते हैं। ये मेरा टमाटर गर्म हो चुका था, तो अब मैंने इसमें शिमला मिर्च को मिला लिया है। शिमला मिर्च को भी चलाते ही रहना है, तब तक मैं जो पनीर था उसे क्रश कर लूँगी, यानी कि एकदम बारीक बारीक टाइप का उसे क्रश कर लूँगी, क्योंकि भुर्जी में हमें पीस में नहीं डालना होता है ना, इसलिए। मेरा मसाला लगभग अब भून चुका है, तो अब मैं इसमें पनीर को मिला दूँगी। और पनीर मिला के भी हमें 2 से 3 मिनट ही चलाते ही रहना है, क्योंकि नहीं तो वो चिपक जाएगा। तब तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करिए। मेरा पनीर लगभग भून चुका था, तो मैंने इसमें 1/2 ग्लास पानी डाल के इसे चलाया है। आप देखेंगे कि इसमें बिल्कुल भी पानी बिल्कुल सेपरेट नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने जो बेसन डाला था इसी से इसकी थिकनेस बनी हुई है। अब मुझे फिर भी सब्जी गाढ़ी लग रही है, तो मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और मिला लिया है। मेरी पनीर भुर्जी बन के बिल्कुल रेडी है। आप भी अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाता है। थैंक यू। अब मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें।